Mr. Gaya Sudhin Ji, please come up on the stage and distribute the certificate to our beloved students. Thank you so much, sir. Sir, please, Mr. Sudhin Ji. नाम सुनेंगे तो आप प्रवीण फ्रॉम क्लास 5। ये जो है हमने स्पेलिंग भी इस कंपटीशन रखे थे, स्पेलिंग भी इसमें, मतलब जो जो स्पेलिंग जो है टीचर लोग स्पेलिंग एक शब्द देंगे उन लोगों को, तो वो लोग जो है स्टेज पर आकर स्पेलिंग उसका जो है स्पेलिंग करके उनको दिखाना होगा। एक ही चांस मिलता है, उसी में जो लोग स्पेलिंग सही अगर देंगे तो मार्क उन लोगों का जो है बोर्ड स्कोर बोर्ड पे चलेगा। ऐसे करके हम लोग जो है, हम लोग चार ग्रुप बांटे थे ए बी सी डी करके, तो ये जो है हमारे विनर है, ये विनर रहा है, उसी में से सारे स्टूडेंट को मिल रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव अमन अब्दुल्ला फ्रॉम क्लास 3। अमन अब्दुल्ला, नेक्स्ट वी हैव साबुल्ला सादिक फ्रॉम क्लास 3। नेक्स्ट वी हैव मिस मोहम्मद आदिल तनवीर फ्रॉम क्लास 5। नेक्स्ट वी हैव अरिंदम ठाकुर फ्रॉम क्लास 4। Arindam Thakur is absent, so I will go to the next one. The next we have Rafia Rehman from class 5th. Yes, spelling is please cut on that. The next student we have Gulambar Shah from class 5th. The next we have Najma Khatun from class 6. The next student we have Razauddin from class 3. Okay, Razauddin is absent, I hope. The next student we have Alsada Khanam from class 4. The last but not the least we have Sonakshi Kumari from class 4. So here aapka spelling bee ka price distribution, aur abhi jo next bee unhone pehla sthan prapt kiya, unhone class 6. और ये तीसरा वाला जो है वो भी मैथ से रिलेटेड है, हमने मल्टीप्लिकेशन क्विज हमने करवाया था, जो मल्टीप्लिकेशन सबसे कम समय में वो मल्टीप्लिकेशन खत्म कर लेंगे उसको हम पहला स्थान चुनेंगे, ऐसा बोल के हमने ये शुरू किया था। तो उन्होंने उसमें से जो है क्लास 7 के गौसिया खातून उन्होंने फर्स्ट पोजिशन प्राप्त किया। हमने उसके बाद क्लास 1 और 2 के बच्चे को लेकर जो है हमने पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ये रखा था हमने, तो उसमें जो है क्लास 1 से जो है प्रियांकी कुमारी उन्होंने पहला स्थान लिया। और पहला स्थान हमारे क्लास दूसरे के विद्यार्थी, क्लास 2 के विद्यार्थी जिनका नाम है जैनब परवीन फ्रॉम क्लास 2। Zainab is also absent, so and now हम लोगों ने जो assignments हम लोग दे दिए हैं।